Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the some topics of chapter 3 for the plus 1 class, that is a Leo words, horn words, or its economic importance karenge bache. So let's start with the first topic, that is called as a Leo words. Bacho, Leo words hai, theek hai? Iske jo body hai, first hai dorsiventral. Dorsiventral means iske do sides honge, ek upper, ek lower. तो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपका हाथ है, ठीक है, हैंड है, जो उसकी हैंड की अपर सरफेस है, जहां पर आप, जहां पर नेल्स हैं, वो वाली सारी की सारी सरफेस जो है वो डॉर्सल है. उसकी जो नेक्स्ट वाला जो है नीचे पाम, दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल सरफेस. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कोई कॉकरोच है जमीन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मोटाइल है, मूव कर रहा है, वो जो उसकी आपको सरफेस नजर आएगी, दैट इज अ डॉर्सल सरफेस. जो उसकी जो इनर सरफेस होगी, नीचे वाली सरफेस होगी, लोअर सरफेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज द वेंट्रल सरफेस. ठीक है जी. तो अब इसकी बॉडी डॉर्सल वेंट्रल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है जी. तो इसकी जो बॉडी है वो कैसी दिखती है, लीफ लाइक होती है, पत्तों की तरह होती है. तो एग्जाम्पल करेंगे हम रशियन मार्केंशिया. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिवर्ट्स इज कॉल्ड एज अ मार्केंशिया. ठीक है जी. तो नेक्स्ट वन है, जो इसकी अपर सरफेस है, द अपर सरफेस ऑफ थैलस इज स्मूथ. जो इसकी अपर सरफेस होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी, लेकिन जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड क्या होंगे, राइजोइड्स. तो बच्चे राइजोइड, जैसे ये वाली आप देखो, सपोज ये वेंट्रल सरफेस है, तो इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे राइजोइड्स होंगे. राइजोइड जो है वो रूट्स की तरह दिखने वाले होते हैं, ठीक है, रूट्स नहीं होती, बट दे लुक लाइक अ रूट्स, दैट इज कॉल्ड एज राइजोइड्स. हमेशा याद रखना है, जो इसकी वेंट्रल सरफेस होगी लिवर्ट्स की, उसके जो वेंट्रल सरफेस है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, दैट पेनिट्रेट इन टू द सॉइल. पेनिट्रेट मीन्स एंटर, जो सॉइल के अंदर एंटर करते हैं. ठीक है जी. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमा. तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बच्चे मार्केंशिया में, वो किसकी हेल्प से होगी, गैमा की हेल्प से होगी. जैसे ये वाली बॉडी है, जैसे ये लिवर्ट्स है, तो आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो, ठीक है. तो इसकी बॉडी के ऊपर गैमा कप्स होते हैं, ऐसे ऐसे गैमा कप्स होते हैं. इस गैमा कप्स के अंदर क्या होता है, गैमा होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिवर्ट्स है जो मैंने बॉडी बनाई है, उस बॉडी के अंदर ये वाले जो मैंने बनाए हैं बच्चे, ये है गैमा कप्स. तो गैमा कप्स के अंदर क्या होते हैं, गैमा. तो जब गैमा कप्स के अंदर जो गैमा है वो डिटैच हो गए, मतलब इसके से अटैच, मतलब दूर हो गए, अलग हो गए इसकी बॉडी से, तो डेफिनेटली वो कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, सॉइल, मिट्टी के बीच में चले जाएंगे. तो जब सॉइल के अंदर आ गए, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो क्या है, वन मार्क का क्वेश्चन है कि जो बोल सकते हैं लिवर्ट्स, लिवर्ट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, तो आप क्या बोलोगे, गैमा. और गैमा क्या है, दीज आर द मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द गैमा कप्स. जो गैमा है वो ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं, और किसके अंदर होती है, गैमा कप्स के अंदर होती हैं. तो जो गैमा है दैट डिटैच फ्रॉम द गैमा कप्स, पहले ही बताया, जो गैमा होते हैं वो गैमा कप से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, एंड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ठीक है जी. जैसे अगेन हम देते हैं, ये लिवर्ट्स है, लिवर्ट्स के अंदर गैमा कप बना हुआ है, गैमा कप के अंदर क्या है, गैमा. तो जब गैमा कप से ये वाले गैमा बाहर निकल गए, डिटैच हो गए, तो कहाँ पर चले गए, सॉइल के बीच में चले गए. तो सॉइल के बीच में आने के बाद इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो नेक्स्ट वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी, इट विल अकर विद द हेल्प ऑफ टू सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल एंड फीमेल. तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आर्किगोनिया. तो नेक्स्ट वन है, द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज अ स्पोरोगोनियम. जो इसका स्पोरोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम. वन मार्क की डेफिनेशन आएगी. स्पोरोगोनियम मींस जो इसके अंदर फुट सीटन कैप्सूल होगा, ठीक है. तो फुट सीटन कैप्सूल, जैसे कैप्सूल जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होएगा, सीटा जैसे स्टेम हो गया, नीचे वाला कौन सा पार्ट होएगा, फुट होएगा, ठीक है जी, कैप्सूल. तो क्या बोलते हैं इसको, सीटा, एंड द लास्ट वन इज फुट, ठीक है, ये हो गया. तो बच्चे आपने क्या किया, लिवर्ट्स में
सबसे पहले डोर्सीवेंट्रल बॉडी होती है, लीफ लाइक की तरह होती है। एग्जांपल एक दो कि मार्केंशिया है। डोर्सीवेंट्रल मींस इसकी अपर सरफेस भी है, लोअर सरफेस भी है। जो अपर सरफेस होगी वो स्मूथ होगी, लेकिन जो लोअर सरफेस होगी उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, राइजॉइड्स होंगे। और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, गैमा की तरफ से होती है। जो गैमा होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं। और गैमा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो गैमा होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं गैमा कप से, ठीक है। देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। उसके बाद लिख दो इसके सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऑन्थ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। तो व्हाट इज स्पोरोगोनियम, जो इसका स्पोरोफाइट है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनिया। मीन इसकी बॉडी थ्री बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक तो है फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। तो नेक्स्ट वन है हॉर्नवॉर्ट्स। तो व्हाट आर हॉर्नवॉर्ट्स, तो जो हॉर्नवॉर्ट्स हैं बच्चे, ये भी इसकी बॉडी फ्लैट होगी, डॉर्सीवेंट्रल होगी, फ्लैट, बिल्कुल इसकी बॉडी फ्लैट होगी, इसकी बॉडी भी डॉर्सीवेंट्रल होगी, ठीक है जी। स्पोरोफाइट्स आर जो इसके जो गोमेटोफाइट्स हैं, ठीक है, ल्यूवर्ट्स के, उसके अंदर तो ये हमने करेक्टर पढ़ लिया कि ठीक है जी फ्लैट एंड डॉर्सीवेंट्रल है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होएगा, लॉन्ग लुक लाइक अ हॉर्न्स, हॉर्न्स की तरह नजर आता होगा। तो एग्जाम्पल करेंगे हम एंथोसिरोस, वन मार्क का ये क्वेश्चन हो गया कि ठीक है गमिटोफाइट्स में इसका कौन सा करेक्टर है, स्पोरोफाइट में इसका कौन सा करेक्टर है। गमिटोफाइट्स में आएगा फ्लैट एंड डॉर्सीवेंट्रल, एंड स्पोरोफाइट में इसकी बॉडी कैसे होगी, लॉन्ग होगी जैसे हॉर्न्स होते हैं। तो एग्जाम्पल हम करेंगे एंथोसिरोस करेंगे। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।